रात के 1 बज रहे हैं और मुझे हद से ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा था। होठों को इग्नोर मारना क्योंकि बोरो प्लस लगाई है, और बालों को इग्नोर मारना क्योंकि ऑयलिंग करी है। तो यार एक और नया दिन नहीं, एक और नई रात, एक और नई जर्नी। आज है 8 अप्रैल 2021। 8 अप्रैल भी क्या, मतलब 1 बज रहा है तो अभी शुरू भी नहीं हुआ ढंग से 8 अप्रैल। पास्ता पड़े थे काफ़ी सारे, बट मसाला वाला खाने का ज़्यादा मन कर रहा है। पहले जब मैंने वो कबूतर वाला नेट नहीं लगवा रखा था ना बालकनी में, तो रात को मुझे भूख लगती थी, मैं जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लेता था और ऊपर से रस्सी और थैला फेंक के ऊपर खींच लेता था। बट अब वो नेट लग गया तो मैं ऑर्डर भी नहीं कर पाता, और नीचे की सोसाइटी का तो गेट बंद ही हो जाता है तो नीचे भी नहीं जा सकता, इसलिए रात को तो पास्ता बनाने का ही ऑप्शन बचा है। चलो भाई मैं खा लेता हूँ फटाफट से, भूख बहुत तेज़ लगी है। इसके अलावा रात का मेरे 3 काम थे, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था। एक अनमोल जायसवाल चैनल की वीडियो एडिट करनी थी, एक मेरा व्लॉग एडिट करना था, और थोड़ा सा स्टोर का काम था। तो अनमोल जायसवाल चैनल की वीडियो एडिट हो चुकी है, अपलोड भी कर दिया है, मतलब शेड्यूल कर दिया है अपलोड नहीं, और दूसरी अब करूँगा इंडियन बैकपैकर की। बट पास्ता खाते खाते कोई वेब सीरीज़ देख लूँगा, जब ख़त्म हो जाएगा पास्ता फिर एडिटिंग करूँगा। इसको देखो अभी ना अच्छा वाला सो रहा था, जैसी पास्ता की खुशबू आई ना उठ गया एकदम से। बेटे जितने मर्जी हैवी ड्राइवर बन जाओ तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन पास्ता समझ आ गई। चलो 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 सो जाओ, गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग पापा भी आए हुए थे खाना देने के लिए, तो पापा को मैं छोड़ता जाऊंगा रास्ते में, और आज अपनी बाइक पे जाएंगे जो ज्यादा गंदी नहीं हो रही क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने वॉश करवाया था। बट पता नहीं पापा बैठ पाएंगे या नहीं, उस दिन तो डर रहे थे पापा काफी, आज देखते हैं। ना ना बैठ जाओ, अब तो बैठ जाऊंगा। ये देखो वही बस, हाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पैर रखो फिर चढ़ जाओ। तुम एक पैर यहाँ रखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट रखो पैर, गिरेगी नहीं बाइक, लेफ्ट वाला। हाँ अब चढ़ जाओ। ना ना नहीं गिरेगी, स्टैंड मजबूत है। या तो रुको भेज देता हूँ ऑटो को अंदर ही। पापा आज बैठे ही नहीं डर के मारे, वो नस चढ़ रही थी पैर की थोड़ी सी चढ़ने में, तो इसलिए मैंने सोचा ऑटो ही दिलवा देता हूँ। चलो गाड़ी मैं इसलिए नहीं लेकर जा रहा क्योंकि फिर आपको पता ही है स्टोर के वहाँ पे बिल्कुल भी जगह ही नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा सबसे बढ़िया बाइक ही है अपना, और एक्टिवा की भी कुछ हालत ख़राब हुई पड़ी है, इसलिए मैंने एक्टिवा नहीं सॉरी एविएटर, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं लेकर जा रहा। चलो कोई नहीं, पापा ऑटो में चले गए हैं, मैं फटाफट से इधर से कहीं दुकान से निकल जाऊंगा। मुझे ना अभी अभी एक चीज़ ध्यान आई कि जहाँ पे मैंने फ्लैट फाइनल किया है लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन के बारे में तो पता किया ही नहीं। जिस जगह पे मैं अभी रह रहा हूँ ना, ये जगह मैंने इसलिए पक्का करी थी क्योंकि पहले मैंने यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का पता किया, आसपास फ्लैट वालों से पूछा कि कितनी स्पीड आती है, और जब उन्होंने कहा कि अच्छी स्पीड है और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी है अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइडर्स के, तब जाके भाई मैंने लगवाया था, मतलब ये फ्लैट लिया था। बट गलती हो गई यार, कल मैंने पता ही तो किया नहीं वहाँ से। हो क्या करा जाए, चले क्या वहाँ फ्लैट पर आसपास पूछना पड़ेगा, या फिर पहले स्टोर ही जाता हूँ यार। लो जी अपना स्टोर भी आ गया, और देखा डिसीजन अच्छा था ना गाड़ी ना लाने का, जगह आज भी नहीं है। हाँ तो बाइक की भी जगह नहीं है, बाइक कहाँ लगाऊँ, यहीं कहीं जगह बनानी पड़ेगी। चलो जी हो गया काम अपना, तो यहाँ पर तो लाइट ही नहीं आ रही कब से, सुबह से ही नहीं, सुबह से ही नहीं, 11 बजे के आए हुए शिवम भाई, जब से ही नहीं आ रही। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, कल रात को, रात की या शाम की बात है, 6-6:30 बजे की, यहीं पर ही सदर सोना चौक पे भूतेश्वर मंदिर वाली रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान थी, वहां पर काफी तगड़ी आग लग गई थी, पूरी दुकान ही वो हो गई थी खत्म। हार्डवेयर की थी किसकी पता नहीं, पर मेरे को हार्डवेयर ही बोला गया, मैं वीडियो क्लिप डाल दूंगा ऐसे व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड हुई थी मुझे। कौन सी है हरीश बेकरी, क्या है, जल्दी करो फटाफट। 101 सदर बाजार सोना चौक पर आग लग गई है, अभी लेटेस्ट टाइम क्या हुआ है देखने पर, 6:45। उसी वजह से मेरे ख्याल ये पूरी सोना चौक वाली लाइन जो है ना वो कट कर रखी है कल रात से ही, और हमारा इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हुआ होगा इसी चक्कर में, तो अब गर्मी में मर रहे हैं, क्या करें बंद ही कर दे फिर तो। ऑर्डर वगैरह तो कुछ नहीं
क्योंकि ऑर्डर तो आए हुए बट पीसी ऑन नहीं होगा तो पैकिंग वैकिंग कैसे करना। पर ये कब आएगा लेने, वो शिपिंग वाला कब आएगा? ये तो दो बजे भी आएगा, एक और एक पाँच छह बजे आएगा। फिर इसको कल का बोल दो, खुद फोन करके बोल दो कल ले जाएगा। कल वार क्या, फ्राइडे है ना, खुलेगा। ठीक है तो बस करते हैं बंद। चलो फिर निपटाओ, कर दो फोन वोन, कल ही लेंगे। अब तो फायदा नहीं है, शाम तक लाइट आएगी, तब तक गर्मी में बैठने का मतलब नहीं बनता। और हेडफोन का स्टॉक आपको याद होगा, शुरू में मैंने आपको 3-4 ब्लॉग पहले दिखाया था कितना ज्यादा था। तो इतने ज्यादा हेडफोन्स बिक रहे हैं इस वक्त वेबसाइट से, फटाफट से ले लो। ये G2000 और 410 तो आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जिसने नहीं लिया भैया, ऑर्डर मारो, gamesook.in का लिंक दे रखा मैंने। बाकी पावर सप्लाई वगैरह भी हमने सारी डाल रखी है, 450 वोल्ट, 550 वोल्ट। अपने मदरबोर्ड हमारे पास सारे MSI के, B450 हो गया, 550 हो गया, 460 हो गया, ठीक है। इसके अलावा X570 पड़ा हुआ है। बाकी ये वाला मैकेनिकल कीबोर्ड मैं बता रहा था, मस्त है काफ़ी ज़्यादा, MK1000। तो ये प्रॉपर मैकेनिकल है जिसमें आवाज़ आती है वो टिक 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 की। कंट्रोलर पड़े हैं, इन सब का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भाई, जिसने जो लेना हो फटाफट से खरीद लो बहुत जल्दी। SSDs एंड हार्ड डिस्क भी हम अपलोड करने वाले हैं वेबसाइट पे। बाकी हमारे पास ना कैबिनेट भी काफी सारी ब्रांड्स के, एंटी स्पोर्ट्स के, एनटेक के, डीप कूल के, बट वो हम ना वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका शिपिंग कॉस्ट जो होता है ना, वो एक पूरे पीसी वाला ही कॉस्ट पड़ जाता है 1000-1500 रुपए। तो इतना तो इसमें मार्जिन भी नहीं है कि हम लोगों से शिपिंग ले, वो अमेजोन से ही फिर आपको हिसाब से सस्ता पड़ जाता है डिलीवरी। अगर देखोगे, अगर आप स्टोर पे आके खरीदोगे ना कोई भी कैबिनेट, तो आपको अमेजोन से पक्की बात है सस्ता मिलेगा, पर ले जाना फिर आपको वो खुद ही पड़ेगा हिसाब से। तो मैं तो आपको ना एक चीज रिकमेंड करता हूँ, इस टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड तो गायब हुए पड़े हैं, पता नहीं कितना टाइम गायब रहेंगे। उसकी वजह से ना हम जो अभी पीसी पार्ट्स है ना, वो बहुत सस्ते में निकाल रहे हैं बंद करने के चक्कर में, विद GST बिल दे रहे हैं। तो अगर आपने पीसी बिल्ड करना है आने वाले टाइम में, या अभी पीसी बिल्ड करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमसे बाकी सारे आप पार्ट्स खरीद लो पीसी के, कैबिनेट हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा SSDs, हार्ड डिस्क, ये सब खरीद के रख लो। और कार्ड की जैसी आपको डील कहीं से भी अच्छी मिले फटाफट से खरीद लो। प्रोसेसर भी है हमारे पास सारे इस वक्त, 5600X भी है, ठीक है, 3600 भी है, 3500 भी है, 3500X भी है, बहुत सारे प्रोसेसर है। तो बाकी चीजें खरीद के रखो ना, आपको अगर आप एक पीसी बिल्ड करोगे ना और अमेजोन या फिर नेहरू प्लेस से इस वक्त कंपेयर करोगे प्राइस का, तो ग्राफिक कार्ड छोड़ के जो बाकी कंपोनेंट्स हमारे से लोगे, उसमें आपको ना 2500-3000 रुपए का फर्क दिख जाएगा उन्हीं कंपोनेंट्स में खाली। और ग्राफिक्स कार्ड जैसी आपको जहां से सस्ता मिले फटाफट से चख लो। फिलहाल हमारे पास एक 1660 सुपर पड़ा हुआ है, तो इसका किसी को पीसी बिल्ड करवाना है तो आप स्टोर पे आ सकते हो, वरना मैं बहुत जल्दी इसकी वीडियो भी बनाऊंगा पीसी बिल्ड की और वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा। बाकी एक ही पीस है, जिसको आना है अभी आ जाओ फटाफट, स्टोर का एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 1650 भी है हमारे पास, तो खाली हम ये दोनों कार्ड नहीं बेचेंगे, पूरा पीसी बिल्ड बना के बेचेंगे। इसलिए कार्ड खरीदने के लिए मत आना, पीसी बिल्ड की ही कोटेशन लेने आना, ठीक है जी। आज बंद है, मतलब कल आप वीडियो देखोगे, कल तो खुलेगा ही 11:30 से 5:30 के बीच में, कभी भी आ जाना, स्टोर खुला मिलेगा। वैसे ये इतने सारे मैंने बोर्ड बनवाए थे यहाँ पर इधर की साइड, इतने सारे फ्रंट साइड में, ये सब पैकिंग है नहीं भाई, इस पर बबल रैप करके ना अच्छे से रख लेंगे ताकि गंदे ना हो, फटे ना। फ्यूचर में कभी gamesook.in जब वापस से खोलेंगे तो उस टाइम पे ये बोर्ड सारे काम आ जाने हैं अपने। एक ब्लॉग में भैया को दिखाया था, भैया हमारे स्टोर के नीचे ये गन्ने के जूस की रेड़ी लगाते हैं, तो भैया कह रहे एक लड़का आया था, उसने मुझे वीडियो दिखाई कि मैं आपके ब्लॉग में आया था। आपने खुद सर्च नहीं करा देख के? नहीं, तो वो लड़का क्या जूस पीने आया था? वो लड़का जूस पीने आया। अच्छा, उसने दिखा दी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर से आओगे आप कल, ठीक है, ओके जी। अरे यार, लोग भी देखना कहाँ रोड पे लगा गया, बिल्कुल ही नहीं सोचते दूसरों के बारे में कि हम पीछे लगा के तो जा रहे हैं लेकिन सामने वाला बंदा निकालेगा कैसे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, सीट में तो आग लगी पड़ी है, शेट, ओह कितनी गर्म हो गई 10-15 मिनट में ही। मर गया भैया, मर गया, इतनी गर्म आग, आज तो गजब हो गया भैया। सदर बाजार में भीड़ नहीं है, ये क्या हो गया, देखना खाली सा लग रहा है बिल्कुल। दोपहर को वैसे गर्मियों में तो कम ही आते हैं लोग, शाम को तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, बाइक निकालना तो दूर की बात है। फाइनली इस सीजन का पहला आम आ चुका है हमारे घर में, अभी मीठे तो नहीं होंगे इतने, सही है, खट्टे भी नहीं है ज्यादा, मीठे भी नहीं है। वैसे पता नहीं जो जूस कॉर्नर वाले होते हैं वो आम कहाँ से लाते हैं, उनका मैंगो शेक तो बड़ा टेस्टी होता है और वो भी पूरे साल। बचपन में मुझे याद है मैं इतने ज्यादा आम खाया करता था ना, पापा 5-6 किलो भी लाते थे ना, मैं तब भी 2 दिन में चट कर जाता था। तो उसके बाद से पापा ने ना थोड़े थोड़े लाने शुरू कर दिए, एक साथ नहीं लाते थे, कभी 1 किलो ले आए, 1.5 किलो ले आए, तो ये ख़त्म, वो पता ही है 1 दिन में होना है। आम,
फाल से जिन जिनको पता नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और तीसरा लीची, ये तीन चीज़ें मेरी फेवरेट है, मतलब जितनी मर्जी भर भर के दे दो मुझे, जब तक तबीयत खराब नहीं हो जाती ना तब तक मैं ठूसता जाऊंगा। कल रात का बटर चिकन पड़ा हुआ है, दो पीस बच गए थे तो मैंने संभाल के रख लिया, मन का कोई नहीं कल खाएंगे बटर चिकन। वैसे मुझे बहुत पसंद है, आपको पता ही होगा जहाँ भी मैं ट्रिप पे जाता हूँ हर जगह बटर चिकन ही बटर चिकन। तो ठंडा काफ़ी है, एक बार इसको मैं गर्म कर लेता हूँ। हेलमेट बताओ वहाँ रख रखा है, कौन है ये बेशरम हेलमेट रखने वाला? ऑब्वियसली मैं ही हूँ। अभी मैंने खाना खत्म किया और देखो कौन आए हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, हमारे छपरी मामा जो मेरी ही उम्र के मामा है, और ये है उनकी बहना जो हमारी नानी ने मासी छपरी अटैक। ओए ब्राउन मुंडे तू फिर आ गया, चलो बस शांत हो गया वो, अब बैठ जाओ सब आके। ओ पार्क का सैंडल ले लिया, छोड़ो। ओ नो नो नो, क्या काबू क्या पार्थ तेरा सैंडल ले गया, वो पार्थ तेरा सैंडल ले गया ब्राउन मुंडे। चलो भाई फाइनली बाहर निकल रहे हैं, वैसे तो हमें एबीज जाना था बट बहुत लेट हो गए, मेरे को स्टोर जाना पड़ गया अचानक से, वहाँ पे कुछ काम आ गया था, तो इसलिए अब निकलते कितने 7 बज गए होंगे ना, 8 बज चुके हैं, इसलिए हमने सोचा एबीज कल जाएंगे क्योंकि अभी टेबल होगा नहीं तो फिर फायदा नहीं है। तो कहाँ चले भाई, बताओ भाई बताओ, कहीं पे भी चल लो, गौशाला चले, गोबर देखने यहाँ नहीं, किसी मॉल चलते हैं, मैकडी में ही खा आएंगे। A few minutes later, तो प्लान तो कहीं मॉल जाने का था बट करते करते साइबर अब आ गए, और बाहर जाके मेरे को नहीं लगता मैं शूट कर पाऊंगा क्योंकि इतनी तेज आवाज आ रही है, तो खाली म्यूजिक ही चलते रहने देंगे। है जी दी मास्क पहन, अभी तक मास्क नहीं पहन रही, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी मास्क पहनना शुरू, बदतमीजी नहीं, मास्क पहनो सब मास्क। ओए ब्राउन मुंडे, ओए ब्राउन मुंडे, बस होगी। अरे छोड़ दे बस। अंदर पता नहीं एक मैकडोनल्ड्स था, मेरे को दिख नहीं रहा फर्स्ट फ्लोर पे, मैं काफी टाइम पहले आया था, कहीं हटा ना दिया हो, है ना, सर्च करते तो और कहीं खाना पड़ेगा कुछ। चलो फिर इसे देखो बेबी सिटिंग कर रहा है, वो आदत है मेरे खानदान में, जैसे के बच्चे होते हो मेरे को थमा देते हैं, तो मतलब इसे एक्सपीरियंस है बच्चे संभालने का। हाँ कल को तेरे होंगे, अब उनको संभालो। तेरे कब हो रहे हैं बच्चे? शादी होगी, उनके भी ऐसी छपरी वाले बाल रखेगा, कभी बच्चे होंगे ना बिना शादी के बच्चे करवा देगा मेरे तो। नहीं बाल उनके ऐसी रहेंगे छपरी वाले? नहीं हाँ तुम्हारे जैसे तो नहीं रखेंगे, हमारे जैसे होंगे, बाप जैसे बाल रखेंगे वो चलेगा। घूम फिर के वापिस से मैकडी आ गए ये सब वेज वाले हैं, हम अंडे वाले हैं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना, बहुत गुड हो गया जी। पार तू फिर आ गया, गया नहीं अपने घर, तू घर क्यों नहीं गया तू अपने? छपरी मासी, छपरी मामा, मामा नाना, नाना ये नानी, छपरी नानी और छपरा नाना, बाल तो देखो, ओए होए होए गोल्ड फिश लग रहा है पूरा ये अच्छा आप खुद ही बताना इस पे ये बाल सूट कर रहे हैं कि नहीं, लगता है कहीं है बचपन से छपरी चलो जी फिर रखते हैं अपना आज का ब्लॉग इतना ही, काम अभी 2-3 दिन स्टोर पे ज्यादा रहने वाला है तो इसलिए वो भी निपटाना जरूरी है, और अभी तो तुम होना 2 दिन तो आराम से बिल्कुल सपनों में यार एक तो आज मैंने शैम्पू कर लिया, बाल ही नहीं सेट हो रहे ढंग से। चलो जी फिर खत्म करते हैं आज के व्लॉग को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय बाय।